हेलो एवरीवन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी यानी कि जो बॉडी रोटेट हो रहा है उस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर टॉर्क क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले टॉर्क क्या होता है वो देखते हैं टॉर्क का मतलब है आ, आसान भाषा में मोमेंट ऑफ अ फोर्स अच्छा ये वर्ड मोमेंट कुछ सुना हुआ लग रहा है यस yes. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है थोड़े टाइम पहले मतलब इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज मोमेंट मोमेंट ऑफ अ मास तुम लोग को वो टाइम पे मैंने बताया था मोमेंट का मतलब है इफेक्ट ऑन रोटेशन सो व्हेन आई से मोमेंट ऑफ अ मास व्हाट डू आई इंप्लाई आई इंप्लाई यानी कि मैं बोलना चाहता हूं इफेक्ट ऑफ मास ऑन रोटेशन सिमिलरली अब तुम यहां से अंदाजा लगा सकते हो मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होगा मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज नथिंग बट इफेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रोटेशन एज सिंपल एज दैट और इसी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रोटेशन का दूसरा नाम है टॉर्क सो वॉट इज टॉर्क टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ अ फोर्स ठीक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ओके नाउ आप लोगों ने टॉर्क क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन योर इलेवे स्टैंडर्ड थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ रॉड ऐसा मानते हैं कि इस रॉड को ना मैं यहाँ पे पिन करके रखा है पिन करके रखा है मतलब इधर मैंने ऐसा ड्रिल मार के यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया ठीक है अब ना मैं यहाँ पे एक रस्सी लगा देता हूँ और रस्सी से इस रॉड को खींचता वैसे खींचता मतलब मैंने इस रॉड के ऊपर क्या लगाया फोर्स लगाया तो तुम लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो रॉड है ना ये रोटेट होगा ऐसा इन दिस डायरेक्शन द रॉड इज गोइंग टू रोटेट और थोड़े टाइम में इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा कोई ना कोई एंगल ये ट्रेस कर लेगा ठीक है तो इस 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 फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ इस रॉड के ऊपर रोटेशन हुआ और वो जितना भी रोटेशन हो जितना इफेक्ट हुआ दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग मोमेंट ऑफ अ फोर्स और मोमेंट ऑफ अ फोर्स मोमेंट ऑफ अ फोर्स का फॉर्मूला क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहां पे मैंने फोर्स एप्लाई किया है वहां तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं उस वेक्टर को हम लोग ने नाम दिया आर बार

और साइन नाइनटी कितना होता है साइन नाइनटी इज वन इसका मतलब टाउ इक्वल्स टू क्या बनेगा आर इन टू एफ दिस इज योर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी द द द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड आर बार इज परपेंडिकुलर इज नाइन्टी डिग्री तो उसके इसमें टाओ बार हो जाएगा आर इंटू एफ अब मेरे को यही डेरिवेशन करना है और मेरे को यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है टू फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी ऐसा बॉडी है जो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है उस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है और उसका डेरिवेशन क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं ठीक है ओके बट बिफोर गोइंग अहेड विथ दैट डेरिवेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी एक छोटा सा चीज है जिसको अपने को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है दैट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम सर्क्यूलर मोशन तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो सर्क्युलर पाथ पे चल रहा है दिस थिंग यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर पार्थ ड्रॉ किया लेट्स पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इट मूव ऑन दिसक्योइंगटेड सर्क्यूलर मोशन एक्सेरेटेड सर्क्यूलर मोशन का मतलब क्या है ये कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा एंड दैट एंगुलर एक्सेज एल्फाउ सिंस इट इज एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन इसका

एल्फा वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्क ठीक है सो जब भी एक बॉडी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में होता है देर इज सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू यूज इन आर नेक्स्ट डेरिवेशन ठीक है सो लेट स्टार्ट विद दैट डेरिवेशन नाउ सो लेट स्टार्ट विद द डेरिवेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी तो एज यूजल मैंने ये रोटेटिंग बॉडी लिया जैसे हम लोग ने प्रीवियस डेरीवेशन में भी लिया था इट इज डेरीवेटिंग इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा और दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन लेट इज अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स एम वन एम टू एम थ्री अप टिल एम एन लेट एल्फा बी दी एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है नाउ एज यू ऑल नो अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है छोटे वो छोटे छोटे मासस है एम वन एम टू एम थ्री ये कौन सा मोशन करेंगे ऑब्वियसली आर गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन तो ये लोग सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले जैसे ये एम वन है ना ये ये जैसे गोल घूमेगा बॉडी एम वन एस सर्कल में घूमेगा एज यू कैन सी द पॉइंटर एम वन ये सर्कल में घूमेगा राइट right? अच्छा अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो जो सर्कल था जैसे मैंने अभी दिखाया ये सर्कल कैसा होगा दिस सर्कल विल बी एन एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन मोशन रादर दिस विल बी एन एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम ए टी बोल सकते हैं फिलहाल हम लोग उसको सिर्फ ए बोलते हैं सो ए इज इक्वल टू आर अल्फा बनेगा ये सर्कल के बारे में अच्छा अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल फोर्स भी होना चाहिए जहां फोर्स वहां पर एक्सेलरेशन

सिंस दिस आर टेंजेंशियल फोर्सेज दे विल ऑलवेज भी पर्पेंडिकुलर टू द रेडियस तो m1 वन अगर इस सर्कल में घूम रहा है तो उसका जो रेडियस है ये वाला रेडियस ये रेडियस क्या होगा दिस रेडियस विल बी आर वन यहाँ पर मैंने डायग्राम में मैंशन नहीं किया है यू कैन ड्रॉ यू सॉल्व ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आर वन लिख सकते हो इधर आर टू इधर आर थ्री अच्छा ये आर वन जो है वो एफ वन को पर्पेंडिकुलर आर टू विली पर्पेंडिकुलर टू तो एफ टू आर थ्री विल बी पर्पेंडिकुलर टू तो एफ थ्री फॉर्म्यूला so so, अब भी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था जब फोर्स और, और डिस्टेंस दोनों भी एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होते हैं तो टाव का फॉर्म्यूला क्या है आर एन टू एफ तो यहां पर भी क्या फॉर्मूला लगेगा So, पहले पार्टिकल के लिए पहले मास के लिए टॉर्क इज द पार्टिकल छोटा सा पार्टिकल एम वन का मास एम वन मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो एम वन के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना मान लेंगे अपन ए वन सो इट विल बी एम वन इंटू एन घूम रहा है इसीलिए ये जो ए वन है ए वन की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा आर वन अच्छा सॉरी ये आर वन को मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे अच्छा दिस शुड बी आर वन ठीक है सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं ये आर वन होना चाहिए आर वन फिर ये एम वन मैंने ऐसे लिख दिया और फिर ये जो ए वन है उसके जगह पे मैंने लिखा आर वन एल्फा वन नहीं लिखा एल्फा वन क्यों नहीं लिखा क्योंकि पूरे बॉडी के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा इसलिए हम लोग ने लिखा आर वन एल्फा तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा एम वन आर वन स्क्वायर एल्फा सिमिलरली टाओ टू इज इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वा टाउ थ्री इज इक्वल टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एल्फा और अपटिल टाव एन विच इज इक्वल्स टू एम एन आर एन स्क्र एल्फा फाइनली मेरे को नेट टॉर्क अगर निकालना है पूरे बॉडी पूरे बॉडी का सो टोटल टॉर्क क्या रहेगा टाउ वन प्लस tau टाव एन एंड दैट गिव टाव इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्र अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्र अल्फा अपटिल एम एन आर एन स्क्वेयर अल्फा को मैंने लिया कॉमन ब्रैकेट में ये पूरा टर्म बच गया अब ये है क्या दिस इज नथिंग बट समेशन एम आई आर एस स्क्वायर व आई इज to टू वन टू एन एंड वी ऑलरेडी नो दैट समेशन एम आई आर आई स्क्टर क्या होता है इसके लिए टाउ का फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को आई इन टू अल्फा सो यहां से क्लियरली एक चीज अपने को मालूम पड़ गया कि ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स काम में आता है बॉडी को ट्रांसलेट कराने के लिए और फोर्स का फॉर्मूला क्या है इट इज मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सिलेशन रोटेशनल मोशन में बॉडी को घुमाने के लिए फोर्स नहीं बॉडी को कौन घुमाता है तो मोमेंट ऑफ यानी कि टॉर्क घुमाता है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा मास की जगह पे, जगह पे पे क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम मास करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है मल्टीप्लाइड बाई लीनियर एक्सेरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और ये चीज मैंने एनोलॉजी से प्रूव किया आई आई हैव मेड इट एनोलॉगस आई हैव ड्रॉन एन एनोलॉजी बिटवीन फोर्स एंड ट्रांसलेसनल मोशन एंड टॉर्क एंड रोटेशनल मोशन और यही चीज हम लोग ने डेरिवेशन से भी प्रूव किया दैट टाव इज इक्वल टू आई इन टू एल्फा ठीक है सो दिस वॉज अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी